कृषि उपज मंडी में 4 दिन से उपज की नीलामी नहीं होने के चलते किसान आज आक्रोशित हो गए और कृषि उपज मंडी कार्यालय के बाहर जमकर विरोध जताया है। इस दौरान नारेबाजी भी की गई है। उसके पश्चात सभी किसान कृषि उपज मंडी सचिव सतीश पटेल से मिले, जहां पर उन्होंने अपनी उपज नीलामी करवाने की मांग की। उसके पश्चात कृषि उपज मंडी समिति सचिव सतीश पटेल ने सभी किसानों को जल्द से जल्द नीलामी करवाने का आश्वासन दिया है। निमच कृषि उपज मंडी में अपनी उपज 4 दिन तक नीलाम नहीं होने पर किसानों ने हंगामा करते हुए अपना विरोध जताया है। किसानों ने कृषि उपज मंडी कार्यालय के बाहर विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी की है। उसके पश्चात कृषि उपज मंडी सचिव सतीश पटेल से मुलाकात की और उपज की नीलामी जल्द से जल्द करवाने की मांग की, जिसके बाद मंडी सचिव सतीश पटेल ने उपज की नीलामी जल्द से जल्द करवाने का आश्वासन दिया। किसानों ने अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए बताया कि नीमच कृषि उपज मंडी में अश्वगंधा की फसल लेकर वह आए थे। किसानों की उपज बीते 4 दिनों से नीलामी नहीं हुई है। आज गुरुवार को जो फसल कृषि उपज मंडी में आई है, हमारी फसल की नीलामी नहीं करते हुए प्रशासन मंडी प्रशासन द्वारा गुरुवार को आई फसल की नीलामी शुरू कर दी गई, जबकि हम 4 दिन से फसल को लेकर यहीं पर पड़े हुए हैं। हम फसल को छोड़कर इधर उधर कहीं भी नहीं जा सकते। अगर हम फसल को छोड़कर इधर उधर जाते हैं तो फसल चोरी होने का खतरा लगातार बना रहता है। साथ ही किसानों का कहना है कि कृषि उपज मंडी में ना ही कोई पानी की व्यवस्था है, ना ही उनके खाने की कोई व्यवस्था है। इसके चलते कृषि उपज मंडी कार्यालय के बाहर आज किसानों द्वारा आक्रोश जताया गया और जमकर नारेबाजी की गई है। पवार नाम है मेरा, गांव दातरवा है, तहसील भंडनगर है, जिला उज्जैन। और सर हम यहाँ बेचने आए हैं माल, और जो आज खाली हुआ वो माल बिक रहा है, बाकी 4 दिन से हमारा माल पड़ा वो नहीं बिक रहा है। उसके बाद गेट पे से अंदर पैसे ले लेके अंदर आ रहे हैं लोग, और हम यहीं पे बैठे बैठे और कमेटी जाते हैं, कमेटी वाले बोलते हैं हाँ हो जाएगा, वापस नीलामी चालू कर लेते हैं। और दूसरी बात, ये पानी नहीं है, कुछ भी नहीं उधर। आपको कितने दिन हो गए आज यहाँ पर माल? रविवार की शाम को आए हम, तो अभी तक आपका माल नहीं बिका? नहीं बिका माल, और ऐसा ही पड़ा है, अभी तक कुछ भी नहीं है उस। और बोल रहे हैं हो जाएगा ना, आज नहीं बिकेगा, कल बिकेगा, कल नहीं बिकेगा, परसों बिकेगा। तो ऐसा थोड़ी हम पूरे 8-10 दिन यही पड़े रहेंगे। और भी तो कुछ है कि यही काम है सिर्फ, और सुनते कोई नहीं है। अभी बोले 2 बजे बाद, जब 2 बजे बाद देखेंगे फिर वापिस, अभी वापिस वो चालू कर देंगे। वो गोली वाले आए, वो क्या करे, ओए हटो, ओए हटो, ओए तो हमारी कोई वो बोलते मतलब। और व्यापारी बोलते चलो मंडी बंद कर दो, उनके एक कहने में सब मंडी बंद कर देते। हम इतने सारे चिल्लाते कोई मंडी बंद नहीं करते, हम इतने सारे चिल्लाते कोई मंडी बंद नहीं करता। वो सिर्फ यही कहना बोलते हैं मंडी बंद कर देंगे, हम पागल है क्या? क्या बिका सर? तो यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, माल छोड़ के हम कहीं जाने, अगर माल छोड़ के हम दूर जाएंगे तो चोरी हो जाएगा, ठीक है? अगर दूसरा आदमी को वहाँ खड़ा करके अगर पेशाब करने भी जाएंगे तो दूसरा आदमी को खड़ा करके जाना पड़ता है। यहाँ कोई रोटी की व्यवस्था नहीं है, पानी भी मोल पी रहे हैं, देख लो। ये निमच मंडी की हकीकत तो ये कि पानी भी क्यों पी रहे हैं, नहीं पी रहे? 2 दिन से पानी नहीं, और चाय पे ऐसे गद्दे के पेशाब जैसी चाय दे रहे हैं, हम जिंदगी में नहीं पी होगी ऐसी। तो काश्तकार के बेटे हम, कोई एरे गेरे थोड़ी ना है, तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं, कोई कदर ही नहीं इसका मतलब। तो अभी आप मिले 4 दिन हो गए, आपका माल नहीं बिका, क्यों कारण है? जो तो कारण तो यही तो हम पूछना चाहते हैं, क्या कारण है ये? जब आज नया माल आया वो बिकने लग गया, तो ये जो दलाल है और ये सेठ लोग है, इनका काम कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी आप मंडी सचिव से मिले, क्या बोला उन्होंने? सर ने कहा था 2 बजे लंच के बाद में आपका माल बिकेगा, ये बात कल भी कही थी इन्होंने। करने में क्या दिक्कत है, सुबह से बोल रहे हैं। यदि 2 बजे बाद आपका माल नहीं बिकता तो आगे नहीं बिकेगा तो भाई हम धरना देंगे यहाँ पे, यही पे कर दे। या तो हम लिख के देते क्लियर की यहाँ माल नहीं बिकेगा, तो हम अपने घर वहाँ तो जाएंगे, दूसरा काम तो संभालेंगे। हम पागल कुत्तों की तरह डोलते फिर रहे हैं, पीने को पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं है, चाय नहीं है, और तो सब टीके फ्रेश होने जाते तो वही 10-20 रुपए लेते, और पानी की बॉटल हमें साथ में लेके जानी पड़ती है। ये हकीकत है मंडी की। आपका नाम? अभय सिंह नाम है सर।